तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि एक रुपए की चीज जो है आपके इस अरिका पाम को पूरा साल हरा भरा कैसे रखने वाली है। उसके साथ ही कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगा जो आपके अरिका पाम की ऑक्सीजन गिविंग एफिशिएंसी बढ़ा देगा, ऑक्सीजन देने की जो क्षमता है वो बढ़ा देगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये अरिका पाम ऐसा है, हम इंडोर रखते हैं और ये ऑक्सीजन देता है, तो इसको अगर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा ऑक्सीजन दे पाएगा। और इसको स्वस्थ रखने के लिए मात्र एक रुपए की चीज है, आपने 3-4 महीने में एक बार डालना है उसको और पूरा साल ये हरा भरा रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसका राज जानने के लिए कि क्या ये एक रुपए की चीज है जो हरा भरा आपको पौधों को पूरे साल रखेगी। तो दोस्तों देखिए ये जो है अरिका पाम इतना घना हमारा हुआ हुआ है और हरा भरा भी है, जबकि सर्दियों से निकल के आया है, फरवरी का टाइम है ऑलमोस्ट, नहीं तो लोगों का क्या होता कि सूख जाता है। तो ये चीजें देखिए किस तरह से हरी भरी है। अब हमें करना क्या है, इस तरह के जो सूखी डंडियां हैं या ये टहनियां हैं इसको हमें निकाल देनी है इनमें से, ताकि इसकी जो प्रूनिंग कहेंगे वो प्रूनिंग हो जाएगी। ये देखिए साफ सफाई तो हर एक प्लांट की जरूरी होती है और इसका भी इसी तरह से है। इस तरह से जो सूखे डंडियां हैं, सूखे पत्ते जो खत्म हो गए थे वो निकाल देना है। तो अब देखिए ये हमारी कटिंग हो गई और हमने क्या किया था कि इसको 2 दिन पहले इसकी मिट्टी निकाल के और इसको हमने ऐसा छोड़ दिया था हवा लगने के लिए, मतलब धूप लगने के लिए। मैंने बताया कि 1 रुपए की चीज डालेंगे या 2 रुपए की चीज डालेंगे तो आपका हरा भरा रहेगा। आखिर वो चीज है क्या, वो चीज गौर से देख लें कि क्या चीज है। ये देखिए, ये आप सभी पहचानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी पहचानते होंगे। ये है सेंधा नमक या रॉक साल्ट। क्या है ये सेंधा नमक या रॉक साल्ट? हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है, हमें घर में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए दूसरे नमक की बजाय, और इसमें भी हम ये डालेंगे। 1 रुपए की चीज़ का मतलब है कि इतनी क्वांटिटी है कि 1 रुपए से कम में भी काम आपका चल जाएगा। आखिर हम ये क्यों डालेंगे, अब समझिए क्यों डालेंगे और कैसे हरा भरा रहेगा। आपने देखा है कि नारियल, कोकोनट यानी के जो नारियल है वो कोस्टल एरियाज में, मतलब समुद्र किनारे उगता है, जहाँ पे समुद्र का पानी साल्टी होता है, ये सभी जानते हैं, उसमें साल्ट की मात्रा होती है, नमक की मात्रा होती है, तो उन्हीं एरिया में जो है नारियल उगता है। और दोस्तों ये देखिए, इसके पत्ते में और नारियल के पत्ते में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, फर्क होता है तो सिर्फ नारियल जो है वो सिंगल डंडे में ऊपर तक जाता है और फल देता है, और ये क्या है मल्टीपल ब्रांचेस प्लांट्स इसमें से निकलते हैं और ये हमारे घरों में ऑक्सीजन का काम करता है। नारियल की फैमिली से ही ये पौधा भी, नारियल की फैमिली से है, तो नारियल या कोकोनट की फैमिली से होने की वजह से इसको भी थोड़ा साल्टी वाटर चाहिए होता है हरा भरा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए। लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं, हम नॉर्मली खाद पानी डाल देते हैं, जिस वजह से पौधा आपका पीला हो जाता है, चलता नहीं है या मर जाता है, तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है इसको। दूसरा क्या है कि हमें सर्दी से बचाना है, जैसे कोस्टल एरिया में नारियल हैं तो वहाँ सर्दी नहीं पड़ती होती है, सर्दी पड़ती नहीं है, टेम्परेचर लगभग सेम सा रहता है, तो आपको एक सर्दी से बचाना है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए इसको तो उससे बचाना है, और ये चीज़ डालते रहेंगे तो हरा भरा रहेगा। अब डालने की मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये देखिए, ये जो रॉक साल्ट या सेंधा नमक कहते हैं वो है, और इसको हमने ये ग्राइंड कर लिया है, मिक्सी में पीस लिया है। अब कोई ये नहीं कि 2-4 चम्मच डाल देना है फिर पौधा मर जाएगा आपका, इतना नहीं डालना, ये देखिए मात्र ये 3-4 ग्राम या 5 ग्राम ये देखिए इसमें डाला हमने, और इसको पानी मिक्स करेंगे, इसमें हमने मिला लिया, और 3 महीने में एक बार ऐसा आपको करना है, 3 महीने में करें, 4 महीने में करेंगे और ये पौधा आपका बिल्कुल हरा भरा रहेगा इस 1 रुपए की चीज से। ये देखिए ये हमने मिलाया और इसके चारों साइड में हम डाल देंगे। अब इसको जो अपना नारियल फैमिली से है और साल्टी वाटर चाहिए वो आपको पौधे को, आपके पौधे को मिल जाएगा, और ये अपनी जो है हरियाली बरकरार रखेगा, सही रहेगा तो हमें ऑक्सीजन पूरा देता रहेगा और हमारी लाइफ को सपोर्ट करता रहेगा, हमारे घर के आंगन की सुंदरता को बढ़ाएगा, तो ये करना है आपने। दूसरा दोस्तों क्या करना है इसमें, साल में दो बार ये लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, आयरन डस्ट, स्टोन डस्ट, ये चारों चीजें हैं, लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो, तो आप अगर ये 4 चीजें हैं मैंने बताई, स्टोन डस्ट, आयरन डस्ट, कैल्शियम की जरूरत हर प्लांट को चाहिए होती है, स्टोन डस्ट, आयरन डस्ट, नीम खली और आपको लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ये डालना है। वर्मी कंपोस्ट तो हर जगह मिल ही जाती है,
वो डाल सकते हैं अगर नहीं है आपके पास तो। अगर ये चारों चीजें जिनके दो पौधे हैं, चारों चीजें पांचों चीजें इकट्ठी ना हो तो ये देखिए इसके लिए इंडोर प्लांट मिक्स है, इसमें वो सब चीजें अवेलेबल है जो इस प्लांट को चाहिए, तो ये आप ले सकते हैं और इसको डाल सकते हैं। इसका कुछ नहीं डालना है, इसकी चार मुट्ठी डालनी है। एक मुट्ठी हमने ये डाली, दूसरी मुट्ठी हमने ये डाली, ये तीसरी मुट्ठी हमने ये डाली, चौथी हमने ये डाली इसकी। बस ये इसके लिए आप समझिए कि 6 महीने का जो खुराक है, 6 महीने का फूड है, इसको मिल गया। लेकिन इसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना है दोस्तों, ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। डालने के बाद क्या करना है, इसको मिट्टी से ढक देना है। ये मिट्टी लिया और इससे ढक देना है, ये जीवाणु वाला है। और कोई भी खाद आप खुला मत छोड़िए, इस तरह से देखिए, इस तरह से सिंपल मिट्टी जो है गार्डन सॉइल आप इसको डाल दें। तो ये देखिए ये मिट्टी से हमने ढक दिया। और पानी डालने की बात है तो पानी हम अभी 1-2 दिन नहीं डालेंगे, इसमें हमने डाला है 1-2 दिन पानी नहीं डालेंगे। और जब ये गर्माइश आ जाएगी खाद की तब हम पानी डालेंगे। और पानी कितना डालना है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन डाला और जो ये जादुई चीज हमने डाला, अगर हम ज्यादा पानी इसमें भरेंगे नीचे से सीप आउट होके वो निकल जाएगा, तो हमारे प्लांट को ताकत नहीं मिलेगी, जो हम चाहते थे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आप ये देखेंगे मात्र 15 दिन के अंदर इसकी जो रौनक है वो बदल जाएगी। तो 2 दिन रुक के पानी डालना है, उतना ही पानी डालना है आपको कि पानी गमले से बाहर ना जाए। कहने का मतलब ये गमला जो है ये फुट बाय फुट का गमला है, लगभग 1 फुट बाय 1 फुट का गमला है। इसमें पानी डालने के लिए 2 लीटर से ज़्यादा पानी ना डालें। 2 लीटर पानी डालेंगे इसी के अंदर सीप करके और यहीं रह जाएगा, आपके प्लांट का न्यूट्रिशन आपके प्लांट को ही मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक अपनाइए और अपने घर में मनी प्लांट सॉरी अरिका पाम को हरा भरा रखिए और इसकी ऑक्सीजन गिविंग कैपेसिटी को बनाए रखिए, ताकि हमारी लाइफ को सपोर्ट करता रहे, हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता रहे और हम भी स्वस्थ रहे और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे। हमारी जो अगली वीडियो है वो भी अरिका पाम के ऊपर होगी और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो अरिका पाम देख रहे हैं मार्केट से, ये 250-300 रुपए का 400-500 रुपए का महंगा लेकर के आते हैं, आपके घर में जो अरिका पाम है उसको मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, कैसे ही देखिए कि इस पौधे में कितने पौधे हैं, इस पौधे से 20 पौधे हम बना सकते हैं। तो वो तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि क्या तरीका है और हम कैसे ही 300-400 रुपए का पौधा जो है अपने घर में ही बिना किसी खर्चे के फ्री में यानी कि हम तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादा तैयार हो जाए तो अपने मित्रों दोस्तों को दिवाली पे गिफ्ट दें, होली पे गिफ्ट दें, बर्थडे गिफ्ट करें, ताकि वो स्वस्थ रहें आपकी तरह।